हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ऐप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके सारे फीचर्स देखने वाले हैं जो क्रिएटर्स के लिए, हमारे आपके जैसे नए क्रिएटर्स के लिए काफ़ी मददगार है, काफ़ी यूज़फुल है। और नए क्रिएटर्स को तो ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की वीडियोज़ हम बनाएँ तो वो वायरल जा सकती हैं। अभी करंट टॉपिक क्या चल रहा है जो वायरल हो सकता है, इस ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये ऐप पूरी तरह से सेफ है, चूँकि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो पूरी तरह से ट्रस्टेड है, कोई किसी तरह का डाटा इधर उधर नहीं जा सकता है, और ये यूट्यूब से सर्टिफाइड है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है। और इसको आप पीसी पर भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी के लिए भी एक्सटेंशन है, उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। जी हाँ, मेहरबान कदरदान, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ये है हमारी विड आई क्यू ऐप, VIDIQ, सर्च कराएंगे, ये आ गई, इसको इंस्टॉल करा लेंगे। ठीक है, ओपन हो गई है। अब इसको साइन इन कर लेंगे अपने यूट्यूब के अकाउंट से, जिससे हमने अपना चैनल बना रखा है उस अकाउंट से इसको हम कर लेते हैं साइन इन। ठीक है, अब ये मेन इंटरफेस है ऐप का, और ऊपर ही आपको डेली आइडियाज़ ये देता है कि किस तरह के आपको किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है जो अभी वायरल हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले डेली आइडियाज में एक है व्यू प्रेडिक्शन, इसका हाई है। रेडमी नोट 8 प्रो न्यू सिस्टम ऐप्स अपडेट के बारे में अगर आप बताएंगे, अगर आप कोई वीडियो बनाएंगे, अगर कोई कंटेंट बनाएंगे, तो हाई प्रेडिक्शन है कि वो वायरल होगा। और इसको हम कर देते हैं सेव। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, इससे रिलेटेड अगर कंटेंट बनाएंगे तो आप मान लीजिए कि उसका प्रेडिक्शन मीडियम है, मतलब वो वायरल हो सकता है। ये 3 आइडियाज पर डे ये शो करता है। अगेन डैशबोर्ड पर चलते हैं, ये हमारी वीडियोज हैं, प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड कर रखे हैं। शो ऑल में जाता हूँ और देख लेते हैं, चलिए इस वीडियो पर देख लेते हैं कि क्या इसका सिस्टम है, ये इस वीडियो में मैंने किस तरह से इसका रिव्यू देख लेता हूँ, इस वीडियो में क्या है। ये कह रहा है विजिबिलिटी पब्लिश्ड है, हाई कंट्रोवर्सी कीवर्ड्स 0 हैं, टाइटल ये ग्रीन दे रहा है 60/100, हाँ 60 का ये मानता है कि हाँ ठीक है। गेट टाइटल रिकमेंडेशन, ये टाइटल का रिकमेंडेशन दे रहा है हमको कि इस तरह का हम टाइटल यूज़ करते हैं। हाँ, मैंने लिखा हुआ है वेंस्ट ऐप फ्रॉड, जबकि वो हमको सजेस्ट कर रहा है हाउ टू वेंस्ट योर एंड्रॉयड ऐप इन 5 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, अगला कर रहा है वेंस्ट द न्यू ऐप फॉर मैक्सिमम फन। ठीक है, इस तरह का अगर ऐप हम डालें, ये अगर इस तरह का हम टाइटल डालेंगे तो वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने चेंज कर लिया अपना, ये मैंने चेंज कर लिया टाइटल। ठीक है, अगला वो शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन 5000 वर्ड्स का होना चाहिए, मैंने 1386 डाल लें, ग्रीन है, मतलब ठीक है, लगभग ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे टैग्स दिखा रहा है कि जो हमने टैग्स उस वीडियो में डाल रखे हैं वो किस कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। हाउ टू इंस्टॉल वेस्ट, जो मैंने टैग डाला था वो 63वें नंबर पे रैंक कर रहा है, मतलब कोई अगर इस ये हाउ टू इंस्टॉल वेस्ट डालेगा तो 63वें नंबर पे मेरा वीडियो शो करेगा। इसी तरह ये ओप्पो का है, ये 36 पे रैंक कर रहा है, ये 45, 38 बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट हाँ रैंक कर रहे हैं 53, 39, मुझे और अच्छा इसको करना चाहिए। और इसमें क्या है, हाँ ये हो गया, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ये टैग्स चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद पब्लिश कर देंगे, पब्लिश चेंज टू योर वीडियो वाला ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। और सी स्कोर ये दे रहा है 4700 में 47 स्कोर हमको दे रहा है। उसके बाद चेकलिस्ट में हम शो करेंगे, ठीक है, मुझे चेंज नहीं करना है,
चेकलिस्ट में जाते हैं, देखते हैं इस वीडियो में जो टाइटल लेंथ है वो 60 होनी चाहिए, 60 है ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेंथ वो कहता है 5000 होनी चाहिए, 1386 मैंने डाल रखी है, चलिए ये भी ठीक है, ग्रीन में दिखा रहा है ये 500 टैग्स की जो लिमिट है 500 वर्ड्स वो मैंने 500 डाल रखी है। क्लोज कैप्शन मैनुअल, एक्चुअली क्लोज कैप्शन मैंने कुछ नहीं डाल रखा है, तो वो कह रहा है कि ये आपने वीडियो में अपलोडिंग में आपने कमी की है ठीक है। मेड पब्लिक, पब्लिक मैंने कर रखा है, शेयर ऑन फेसबुक विद एटलीस्ट 1 लाइक, तो इसको फेसबुक पे मुझे शेयर करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है, इसको मुझे सही करना चाहिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है, ऐड 1 टैग इन डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हैशटैग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैंने हैशटैग 15 होने चाहिए, मैंने 16 डाल रखे हैं, तो ये भी मेरी एक गलती है। इस तरह से ये सारे वीडियोस की हम रिव्यू देख सकते हैं। अगर एक एक वीडियो का हम हर रोज़ रिव्यू करें और देखें, उसमें चेंजेस करें, जिस तरह का वो रिकमेंडेशन दे रहा है उसको, कमियों को दूर करें, तो हाई चांसेस हैं कि हम वीडियो को वायरल कर सकते हैं, अपने प्रीवियस वीडियो को भी फिर से सर्चिंग मिला सकते हैं, उसमें व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। और अगला चलते हैं डैशबोर्ड पे, ये हमारे पास दिखा रहा है टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, इस पर मैं बना सकता हूँ कोई वीडियो, और ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे क्रिएट यूट्यूब चैनल, इस तरह का कोई वीडियो बनाऊँ तो उसके हाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो वायरल होगा। टॉप सर्च टर्म्स फॉर योर चैनल, जो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं उनमें जो सर्चिंग में आ रहे हैं, वो पिकाशो का एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसके 2 व्यूज आ रहे हैं, पिकाशो नॉट वर्किंग ऑन एंड्रॉयड टीवी, इस तरह का जो मेरा टैग पड़ा हुआ है उस पर 1 व्यू आ रहा है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट उस पर 1 व्यू आ रहा है, ये दिखा रहा है। एक्चुअली अगला ऑप्शन दिखा रहा है जो ये मेरे एक्चुअली कंपटीटर्स हैं, इसमें जब आप ओपन करते हैं तो कंपटीटर्स का आपका मांगता है, तो वो देखता है किन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है, आपकी जैसे वीडियोस कौन बना रहे हैं ठीक है, तो उनको कंपटीटर्स में ये डालता है और उनके व्यूज दिखाता है आपको, उनकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है। मैंने एनीथिंग्स का एक भैया है, उनका मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी तरह वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उनका अभी जा रहा है 1.1 मिलियन, पास्ट 30 डेज में उनका जो व्यूज हैं वो 1.1 मिलियन है। दूसरा दहिया वाला चैनल है, उसका 1 मिलियन है। ये कंपटीटर्स हमारे वीडियोस हैं ठीक है, इस तरह का हो गया। और रिसर्च में जाएंगे हम तो ये अपग्रेड करने के लिए मांग रहा है, अगर हम इसका पेड वर्जन लेते हैं तो शायद हमको ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे दे। ऑप्टिमाइजेशन में तो देख ही रहे हैं किस वीडियो में हमने क्या गलतियां की हैं, उसको चेक कर सकते हैं और उसको उसके इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड पे, और ये हमारे यहाँ कॉर्नर में टॉप राइट कॉर्नर में दिखा रहा है, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। तो इस तरह से खुद को रिव्यू पर डालते रहिए, अपनी कैटेगरी को, अपने अपने काम को, अपने कंटेंट को रिव्यू करते रहिए, तो आप कुछ अच्छा दे पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे एज ए क्रिएटर। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे, और चलते हैं देखते हैं कि वीड आईक्यू को अपने गूगल क्रोम में कैसे इंस्टॉल कराते हैं। मैंने बताया कि ये एक्सटेंशन है, वीड आईक्यू एक्सटेंशन, ये खुल गया है और इसको ओपन करा लेंगे। वीड आईक्यू एक्सटेंशंस में जाके ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऐड एक्सटेंशन, ये हो गया है हमारा डाउनलोड। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है,
ये हम आ गए हैं सेटिंग्स पे, जाके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। सेटिंग्स पे गए, ये हम गए एक्सटेंशंस पे, ये हमारा vidIQ इंस्टॉल हो गया है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए अपने दोस्त और होस्ट अफजाल के साथ। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।